शुरुआत की थी 17 साल नौकरी करते 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 ये अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे आपने शुरुआत की वैसे मैंने भी शुरुआत की थी, जैसे आपको चुनौतियां आ रही हैं मुझे भी चुनौतियां आई थी। लोग समस्या बोलते हैं, मैं समस्या नहीं बोलता क्योंकि समस्या नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, समस्या वो होती जिसको आप समस्या मानते हैं, और समस्या कभी खत्म नहीं होती, परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। ये तो एक जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, यदि ये सोचो कि मैं पहले निकलने के पहले ये पहले तय कर लूंगा कि सारे के सारे रेड लाइट्स ग्रीन हो जाएं, जितने भी गड्ढे हैं वो सब भर जाएं, और उसके बाद मैं घर से निकलूंगा क्योंकि मुझे मंजिल पे पहुंचना है और मुझे कोई अवरोध नहीं चाहिए। क्या कभी आप घर से निकल भी पाएंगे? तो यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं, रास्ते में निकलेंगे तो लोग तो मना करने वाले मिलेंगे ही, लोग तो मजाक उड़ाने वाले मिलेंगे ही। यदि आप ये सोचो कि जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, कोई मना करने वाला नहीं मिले, तब मैं बिजनेस करूंगा, तो ऐसा दिन कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। और ऐसा दिन यदि आ गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप कल्पना करो, मैं शुरुआत से आपसे बात करता हूं, कल्पना करो कि आप दो लोगों से मिलते हो और दो के दो लोग तैयार हो जाए, कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा? दो से मिले और दो तैयार हो गए, मजा आएगा या नहीं आएगा? तो पहले दिन में कितने लोग ज्वाइन हो गए आपके साथ? कितने ज्वाइन हो गए? मुझे थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। और दूसरे दिन वो दो लोग दो से मिले तो कितने नए ज्वाइन हो जाएंगे? तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवे दिन, थोड़ा आगे भी चलेंगे हम, छठवें दिन, उसके अगले दिन, और दसवें दिन या बारहवें दिन कितने हो जाएंगे? बारहवें दिन कितने हो जाएंगे? करीब करीब कितने हो गए? 8,000। तेरहवें दिन 16,000। चौदहवें दिन 32,000। पंद्रहवें दिन, थोड़ा मेरे साथ चलिए, 64,000। सोलहवें दिन कितना? 1,28,000। सत्रहवें दिन, हाँ जी, एक आदमी आ जाए, कितने? एक आदमी कोई बोलेगा, अरुण आप आ जाओ कैलकुलेशन करने के लिए। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार सर। और पोजीशन क्या है अभी सिक्योर लाइफ में? अभी सर रूबी बन चुके हैं। और उम्र कितनी है? सर 22 साल हो चुके। मात्र 22 साल। और डायमंड बनेंगे इसी साल, पक्का है? यस सर, अप्रैल, अप्रैल में, लो वो भी 2 महीने 3 महीने बाद। तो सत्रहवें दिन कितने हुए? 2,56,000। मैं दिन बोलूंगा, आप कैलकुलेशन बताना। अब 2,56,000 को 2.5 लाख बना लो, थोड़ा कम कर लेते हैं। सत्रहवें दिन 2.5 लाख, 18वें दिन 5 लाख, 19वें दिन 10 लाख, 20वें दिन 21वें दिन 22वें दिन 80 क्या 80 लाख, 23वें दिन 1,60,00,000, 1,60,00,000। अब इसको बना दो 1.5 करोड़, 23 दिन हुए हैं। 24वें दिन 3 करोड़, 25वें दिन 6 करोड़, 26वें दिन 12 करोड़, 27वें दिन 24, 28वें दिन 48, 29वें दिन 96, और 30वें दिन 1 लाख, 30वें दिन 96 करोड़ को 100 करोड़ मान लो तो 200 करोड़, उसमें 8 करोड़ घटा दो, 4 इधर कम 4 उधर कम, तो कितने हो जाएंगे? 192 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी है क्या 192 करोड़ है क्या? मतलब आप दो लोग से मिले, दो ज्वाइन हो गए, वो जिससे मिले वो मिल गया, वो जिससे मिले वो मिल गया, 30वें दिन तो हिंदुस्तान की आबादी खत्म हो जाएगी। थैंक यू। 30वें दिन तो हिंदुस्तान की आबादी खत्म हो जाएगी। 30 दिन के बाद सिक्योर लाइफ खत्म, कुछ और करने के लिए ढूंढ जाओगे, 8 लाख रुपए कमाओगे और उसके बाद क्या करोगे? बेरोजगार। तो भैया जो मना करता है ना, मैं उसको देता हूं धन्यवाद, तेरे कारण सिक्योर लाइफ चल रही है। जो कर रहा है उसके कारण सिक्योर लाइफ नहीं चल रही, जो नहीं कर रहा उसके कारण सिक्योर लाइफ चल रही, क्योंकि आने वालों के लिए भी तो टाइम मिलना है, आने वालों के लिए भी तो जगह मिलनी है। जब हमने ज्वाइन किया था, शुरुआत की थी, आज 8 लाख से ज्यादा लोग हैं, उस समय हिंदुस्तान की आबादी करीब 100 करोड़ थी, अभी आबादी कितनी है? करीब 130 करोड़ है। तो 30 करोड़ में मेरे साथ केवल 8 लाख ने ज्वाइन किया है, मतलब कितने सारे ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो अभी तो मैं ही नहीं समेट पाया हूं, आप कैसे समेट लोगे? आपके समय में तो और तेजी से लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और तेजी से आबादी बढ़ने वाली है।
ये जवाब उनको है जो कहते हैं कि बिजनेस कब तक चलेगा। बिजनेस कभी नहीं खत्म होने वाला दोस्त। लोग कपड़े पहनना छोड़ देंगे क्या? लोग इंश्योरेंस कराना छोड़ देंगे क्या? लोग पढ़ना छोड़ देंगे क्या? तो भैया बिजनेस करना कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जरूरी है ना। और धीरे धीरे करके लोगों के पास अकल आती जा रही है कि यही बिजनेस सबसे अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको यहां पर आकर? कुछ उम्मीदें जग रही हैं? ऐसे ही एक फंक्शन में ऐसी शुरुआत हम लोगों की भी हुई थी, और आज उम्मीदें जागते जागते आज 8 लाख से बड़ी फौज है। मुझे पता है आने वाले समय में ये 1 करोड़ भी होने वाले हैं और 10 करोड़ भी होने वाले हैं, मुझे पता है। जब शुरुआत की थी तब 10,000 का विश्वास था, जब 8,000 की टीम हुई तो 1 लाख का विश्वास हो गया, जब 80,000 की टीम हुई तो 10 लाख का विश्वास हो गया, आज 8 लाख की टीम हो गई है तो 1 करोड़ का विश्वास हो गया। ये 1 करोड़ भी होने वाले हैं, लेकिन जब 1 करोड़ होंगे तो आप कहां होंगे? आपकी भी तो 10 लाख की टीम हो सकती है उस 1 करोड़ में से, तो भी आप कैसे मोटिवेट हो सकते हो, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। यहां जितने भी डायमंड बैठे हैं, यदि किसी से भी आप पर्सनली पूछ लोगे तो कोई बोलता मैंने 500 लोगों से मुलाकात की डायमंड बनने तक, कोई बोलता मैंने 600 से की, कोई बोलता 400 से मुलाकात की, कोई बोलता है 200 को प्लान दिखाया और डायमंड बन गया, 1,000 तक कोई नहीं पहुंचा। यदि आप 1,000 लोगों को प्लान दिखा देते हो, कितने लोगों को? 1,000, माने ये लोग तो 500-700 लोगों को प्लान दिखा करके डायमंड बन गए। और आप यदि 1,000 लोगों को भी आपको दिखाना पड़े डायमंड बनने के लिए, दिखाना चाहिए तो 1,000 लोग कहां से लाओगे? आपके जेब में नहीं पड़े 1,000 लोग, जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हो उनकी लिस्ट बनाते हो, फिर कुछ लोग आ जाते हैं, फिर उनकी लिस्ट बनाते हो, फिर कुछ लोग आ जाते हैं, आपके पास 1,000 हो जाते हैं। 1-to-1 1,000 की बात कर रहा हूं मैं। 1-to-1 यदि आपने 1,000 लोगों को प्लान दिखाया, और तब तक क्या होगा, आप बन जाते हो डायमंड। यदि आपने 4 साल में भी ऐसा किया, केवल 4 मीट में नहीं, 4 साल में भी ऐसा किया, पहले साल 10, अगले साल 100, अगले साल 1,000, अगले साल 10,000, 4 साल में भी डायमंड बनते हो, तो आप केवल 1,000 लोगों को प्लान दिखा के डायमंड बनते हो। और डायमंड बनने पे कितने पैसे आते हैं? 50 लाख रुपए। यानी 1,000 लोगों को प्लान दिखाया और पैसे कितने आए? 50 लाख। अब 50 लाख को 1,000 से भाग दे दो, हर आदमी पे कितना पैसा मिला? संजय दत्त जैसी, मुन्ना भाई जैसी स्थिति हो गई, कितना हुआ? कितना हुआ? 5,000। हर आदमी से जिससे आप मिलते हो वो हां कहे या ना, आपका डायमंड बनना तय, वो हां कहे या ना, हां कहेगा तो 5,000, ना कहेगा तो 5,000। करने लायक काम है। और भैया 1,000 लोगों में यदि 10,000 ज्वाइन नहीं होते, केवल 5,000 ज्वाइन हुए, तो भी तो 2,500 हर आदमी से मिले। यदि 2,500 ही ज्वाइन हुए तो भी तो 1,250 मिले। अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल को बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन करने के बाद भी एक आदमी से मिलने के 1,250 रुपए आज भी हिंदुस्तान में नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। कितने मिलते हैं? 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए बस। और आपको केवल सिक्योरलाइफ ज्वाइन किया, आपने लोगों से जाके पूछते हो बिजनेस करोगे, वो बोलता है नहीं। कितने मिले? 5,000। बिजनेस करोगे? नहीं। कितने मिले? 5,000। बिजनेस करोगे? हाँ। कितने मिले? 5,000। हर आदमी से 5,000। मेरा गणित समझ में आ गया? तो पहले जब मैं लोगों के पास जाता था, लोग मना करते थे, मुझे भी लगता था पेट्रोल भी खर्च हुआ, मैं कार से जाता था, मेरे पास कार थी, पेट्रोल भी खर्च हुआ, समय भी खर्च हुआ, घर को समय भी नहीं दे पाया, आदमी ने ज्वाइन भी नहीं किया, बीबी पूछती थी क्या हुआ, मैं बोलता तो कुछ नहीं हुआ, बोले क्यों चक्कर में पड़े हुए हो, टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन मुझे मालूम था ऐसा होगा, तो उस समय तो लगता था पैसा वेस्ट हुआ, लेकिन आज की डेट में तो मैं किसी को प्लान दिखाता नहीं, किसी को बताता नहीं, किसी को ज्वाइन नहीं कराता, लेकिन लोग मुझसे पूछते सर आप क्या करते हो, तो मजबूरी में बताना पड़ता है। और जब मैं मजबूरी में बताता हूं और वो बोलता है भाई साहब काम बहुत बढ़िया है, आप सक्सेसफुल हो गए, हम नहीं कर पाएंगे, मैं कहता हूं कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूंगा करने के लिए, लेकिन मैं आपको धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी 5,000 रुपए दिए। बोले कैसे दिए? बोले ज्वाइन तो किया नहीं मैंने। बोले ज्वाइन किया नहीं तो क्या हुआ, 5,000 तो दे दिए आपने, आपको पता नहीं है। बोले कैसे? मैं बोलता हूं ऐसे। बोले मेरा भी फॉर्म भर लो यार, ये तो बड़ा मजेदार काम है। तो काम पहले कठिन था क्योंकि सोच मुश्किल थी, काम अब आसान है क्योंकि सोच बदल गई है, क्योंकि लोगों की सक्सेस देख ली है। इस बिजनेस में मुझे इसलिए आनंद नहीं आता कि मैं अकेला सफल हुआ हूं, इस बिजनेस में मुझे इसलिए मजा आता है कि यहां से हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है, हजारों लोगों ने मकान खरीद लिए, हजारों लोगों ने कार खरीद ली,
हजारों लोग विदेश यात्रा करके आ गए, हजारों लोगों के सपने बड़े हो गए। हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाली है दोस्तों, एक नई सुबह आने वाली है, आपकी जिंदगी में भी जरूर आएगी यदि आप डटे रहोगे तो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में। गो डायमंड, थैंक यू।